हे गाइस, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू हाइड ऐप। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि ओप्पो के इस डिवाइस में आप किस तरीके से हाइड ऐप कर पाएंगे। सो गाइस, वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि ओप्पो के इस डिवाइस में किसी भी गेम को या किसी अदर एप्लीकेशन को आप हाइड करना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं यहाँ पर होम स्क्रीन से, तो कैसे छुपा पाएंगे? सो गाइस, विदाउट एनी वेस्ट टाइम लेट्स गो स्टार्ट वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको जाना होगा सेटिंग्स पर। सेटिंग्स पर जाने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना है नीचे की ओर, और यहाँ पर आपको मिल जाता है प्राइवेसी। तो इस प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको हाइड ऐप्स मिल जाता है, तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सारे एप्लीकेशन आ जाते हैं, गेम भी आ जाते हैं। जो भी एप्लीकेशन आपको हाइड करना है वो इस तरीके से सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर मुझे फेसबुक हाइड करना है, तो यहाँ मैंने सेलेक्ट कर दिया। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपके जब फर्स्ट टाइम आप करेंगे तो यहाँ पर सेटिंग्स ओपन हो जाती हैं। ओके, तो यहाँ पर सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप एक 6 डिजिट का पासवर्ड या फिर 4 डिजिट का भी कर सकते हैं। तो जैसे यूज ए डिफरेंट पासवर्ड है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 4 डिजिट का भी पासवर्ड कर सकते हैं या फिर पैटर्न भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 4 डिजिट का पासवर्ड कर लेते हैं। ओके, 4 डिजिट पर मैंने कर दिया है, तो यहाँ पर 8800। ओके, ये पासवर्ड मैंने डाल दिया है। दोबारा से वही पासवर्ड आपको डाल देना, तो 8800 मैंने पासवर्ड डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि यहाँ पर बाय द वे अगर आप पासवर्ड को भूल जाते हैं तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपके पासवर्ड को रिकवर करने में मदद करता है। यहाँ पर सेट रिकवरी ईमेल आईडी भी लगा सकते हैं, इससे क्या इससे भी आप अपने पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सिक्योरिटी क्वेश्चन है, इस सिक्योरिटी क्वेश्चन को भी चेंज कर सकते हैं। सिक्योरिटी क्वेश्चन पर क्लिक करना है आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन आपका चेंज हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर मदर्स नेम, फादर्स नेम, तो यहाँ पर फादर्स नेम कर लेते हैं, और यहाँ पर अपने पिताजी का नाम आप डाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर डाल दिए, डालने के बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर दोबारा से आपको सेटिंग्स पर जाना है, और यहाँ पर आपको एक एक्सेस कोड सेट कर लेना है, तो #8888 और उसके बाद #। ओके, तो ये कोड आपका सेट हो चुका है। इसी कोड से आपके सारे एप्लीकेशन एक्सेस होते हैं, इसी कोड से आप अपने एप्लीकेशन को चला पाते हैं या खोल पाते हैं। यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद डन कर देना है। डन करने के बाद ये आपका एक एप्लीकेशन हो गया है। इसके बाद आप कोई भी एप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पर ये सेटिंग्स नहीं आएंगी। जैसे कि मैंने क्रोम किया, हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पर गूगल कर लेता हूँ, तो गूगल पर क्लिक कर दिया, सिंपली हो गया। इसी तरीके से जो भी एप्लीकेशन आपको हाइड करना है तो वो इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि पब्लिक कर लेते हैं, तो क्लिक कर दिया, सिंपली हो गया है हाइड। ओके, अब हाइड, ये हाइड एप्लीकेशन हो तो गए, बट आप कैसे देख पाएंगे? तो देखने के लिए या चलाने के लिए आपको डायलर पे जाना होगा। डायलर पे जाने के बाद यहाँ पर आपको डायल पैड पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर हैश और वही एक्सेस कोड डाल देना है जो आपने पहले डाला था। तो यहाँ पर 8888 और यहाँ पर हैश। जैसे आप यहाँ पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये आपके हिडन ऐप्स आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इनमें से कोई भी एप्लीकेशन आप यहाँ पर चला पाएंगे, कोई भी एप्लीकेशन आप यूज कर पाएंगे। सो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर देना। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।